सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत करती हूं आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को देखते हुए गुलाबी व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन ये गुलाबी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती नजर आ रही है। इसके साथ ही गुलाबी व्यवस्था में लगी महिला पुलिस कर्मियों के कामों पर भी सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। महिलाओं के साथ दिन ब दिन कई वारदातें हो रही हैं, लेकिन गुलाबी व्यवस्था क्षेत्र में दिखने के बजाय पिंक बूथों में बैठी हुई दिखाई दे रही है। अब इसका पूरा फायदा बाइक सवार बदमाश उठाने से पीछे नहीं हट रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के कमिश्नरेट जोन के सभी इलाके में बाइक सवार बदमाश लगातार महिलाओं के साथ लूट की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं महिलाओं से जुड़ी लूट की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खोल दी है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सपा ने ट्विटर पर लिखा कि लगातार पूरे यूपी में गुंडे बदमाश लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं। आलम यह है कि महिलाएं अपने घरों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों तक पर सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं से जुड़े इन्हीं समस्याओं पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि क्या वो इसे ही विश्वस्तरीय व्यवस्था बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुलाबी व्यवस्था चालू की गई थी, लेकिन यह गुलाबी व्यवस्था पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब महिलाओं के साथ लूट की वारदात उनके घर के आंगन तक शुरू हो जाए तो फिर गुलाबी व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हुई वारदातों में सामने आया है कि जिसमें देखा गया कि एक महिला से उसके दरवाजे पर ही असलहे के बल पर लूट करने की कोशिश की गई। तो वहीं इससे पहले की जो घटनाएं सामने आई, फिर वो जानकीपुरम हो या फिर पारा हो, जहां पर दरवाजा खटखटाकर महिला को बाहर बुलाया गया और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि महिला पिंक बूथ पर जो सवार महिला पुलिसकर्मी है, जो लगातार पिंक पेट्रोल नाम से जानी जाने वाली स्कूटियां हैं या फिर जो गाड़ियां दी गई हैं, उनमें जो महिला पुलिसकर्मी क्षेत्र में गश्त करने का दावा करती है, लेकिन वो सड़कों पर नजर नहीं आती, जिसका पूरा फायदा उठाकर बदमाशों के द्वारा लगातार वारदातों को अंजाम भी दिया जा रहा है। इसी घटना के बीच अभी हाल ही के दिनों में बात की जाए अलीगंज में, तो बाइक सवार बदमाशों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, उसमें एक महिला समेत मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो बाइक सवार बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आखिर पुलिस उन बदमाशों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, ये भी लगातार सवाल लोगों के बीच बना हुआ है। आइए अब हम आपको बताते हैं लखनऊ में घटी महिलाओं के साथ कुछ वारदातें। 20 अप्रैल को कृष्णा नगर इलाके में बाइक सवार असलहाधारी बदमाशों ने एक कारोबारी की पत्नी से चेन छीन ली। कारोबारी की पत्नी ने भी हिम्मत दिखाई और बदमाश से भिड़ गई। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। इसी दौरान खुद को फंसता देख बदमाश चेन लेकर किसी तरह भाग निकले। वहीं बाइक सवार बदमाशों ने 6 अप्रैल और 12 अप्रैल को बीकेटी में एक महिला से भी चेन लूटी थी। 20 अप्रैल को कृष्णा नगर और उसी दिन विकास नगर में भी महिला से पर्स लूटा था। इसके बाद 25 अप्रैल को पारा के सरस्वती नामक महिला से जेवरात लूट लिए गए थे। 5 मई को अलीगंज और मड़ियाओ में कुछ इसी तरह की वारदात हुई थी। इस वारदात के दौरान एक महिला समेत मासूम गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ था। 9 मई के साथ आज 12 मई को भी बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। कल दिनांक 5 मई लगभग रात 10:30-11 बजे के बीच में एक नीरज मिश्रा नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि भिंडिया टोला अलीगंज के रहने वाले हैं। ये राम राम बैंक थाना मणियाओं से अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो आंचलिक विज्ञान केंद्र के पास की ये घटना है। यहाँ पर पीछे से बाइक सवार एक व्यक्ति आता है जो कि पल्सर से रहता है, हेलमेट लगाया होता है। पीछे से व्यक्ति आता है जो कि इनका पर्स छीनने का, पीछे इनके एक महिला रहती है और उनके हाथ में एक बच्चा रहता है।
तो पर्स छीनने का प्रयास करता है, उस प्रयास में गाड़ी डिसबैलेंस होती है, वो पर्स नहीं छीन पाता है, लेकिन गाड़ी उस प्रक्रिया में गाड़ी डिसबैलेंस होती है जिससे कि महिला और बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे को इसमें इस प्रोसेस में चोट भी आती है और जिसका इलाज अभी चल रहा है। थाने पर अभी वादी पक्ष मौजूद है, अपनी तहरीर दे रहे हैं और हम लोग ने 5 टीमें इसमें लगा रखी हैं। शीघ्र ही घटना का इसका अनावरण करेंगे। जो भी व्यक्ति जिसने इस घटना को कारित किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं के साथ जिस तरीके से लूट की वारदातें सामने आ रही हैं तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी मौजूदा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस दौरान लूट हो या फिर हत्या हो, इन सभी घटनाओं को लेकर समाजवादी मीडिया सेल भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। इस दौरान महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर के भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में अप्रैल से लेकर मई के बीच जो वारदातें हुई उनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, जिसको लेकर जो विपक्षी है उसने भी मौजूदा सरकार पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस तरीके से महिला पिंक पेट्रोल जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, लेकिन वो सड़कों पर नज़र नहीं आती है। क्योंकि इस दौरान काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर नज़र आने के बजाय वो चौकियों के अंदर ही बैठी रहती हैं और क्षेत्र में गश्त करने के बजाय वो आराम फरमाती हैं। जो पिंक पेट्रोल क्षेत्रों के लिए दी जाती है, लेकिन उन गाड़ियों का इस्तेमाल घरों के निजी कामों में लिया जा रहा है। लेकिन इसका पूरा फायदा बदमाश उठा रहे हैं और वो लगातार महिलाओं को अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसके आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि उन बदमाशों तक जल्दी पहुंचेगी, लेकिन कब पहुंचेगी इसका कोई जवाब नहीं। इसी बीच बदमाश कई वारदातों को अंजाम भी देते जा रहे हैं। फिलहाल बात की जाए लखनऊ के 5 जोन, सभी 5 जोनों में लगातार वारदातें भी सामने आती जा रही हैं, लेकिन लगाम नहीं लग पा रही। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।